हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट चैंपियन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में, जिसने Q1 के अपने नतीजे आज ही के दिन पेश किए हैं और वो भी बेहद शानदार। हम लोग देखेंगे किस तरीके के रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं और उसका शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, क्या शेयर प्राइस 10,000 का हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बजाज फाइनेंस के Q1 के नतीजे देख लेते हैं। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आप लोग के सामने हैं, आइए थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं किस तरीके के रिजल्ट रहे। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल इनकम कंपनी को कितनी हुई इस क्वार्टर में। 9,282 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 8,630 करोड़, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 6,743 करोड़। देखिए कितना अच्छा खासा जंप इसके टोटल इनकम में दिखाई दे रहा है हम लोगों को Y-on-Y, और Q-on-Q देखें तो उसमें भी अच्छा खासा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बढ़े हैं तो प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे। तो इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस हुए 5,789 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 5,364 करोड़, पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 5,370 करोड़। आइए अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में कंपनी का हुआ है 2,596 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2,419 करोड़। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1,002 करोड़। तो आप देख सकते हैं 100% से ज्यादा की तेजी इसके नेट प्रॉफिट में Y-on-Y हम लोग को देखने को मिल रही है। 1,002 करोड़ से सीधा 2,596 करोड़, कितना शानदार जंप इसके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर रही है 43.02 रुपी, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 40.11 रुपी, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 16.66 रुपी। देखिए दोस्तों, 16.66 रुपी से 43.02 रुपी अर्निंग पर शेयर हो गई है इसकी। शानदार जंप इसके अर्निंग पर शेयर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। आगे थोड़ा सा और डिटेल में कंपनी के प्रॉफिट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पेश किया है इस क्वार्टर में, जो कि रहा है 2,596 करोड़। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस ए माइलस्टोन ऑफ 2 लाख करोड़। कंसोलिडेटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट में 28% की जंप Y-on-Y हम लोग को देखने को मिल रही है। वही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 159% की शानदार तेजी हम लोग को दिखाई दे रही है। यानी कि बजाज फाइनेंस ने बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं। रिजल्ट्स आने के बाद शेयर में बहुत शानदार तेजी भी हमें देखने को मिली, तकरीबन 2.29% की तेजी इस शेयर ने दिखाई हम लोग को करके। तो दोस्तों, इतने शानदार रिजल्ट्स का इम्पैक्ट क्या रहेगा शेयर पे, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इतने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं तो बजाज फाइनेंस का शेयर को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह अपना पुराना 52 वीक हाई जो 8,050 का है, उसको जल्दी ही ब्रेक करके नया 52 वीक हाई जो कि 10,000+ होगा, उसको अचीव करके दिखाएगा। तो दोस्तों, आप लोग के पास ये शेयर हो तो बेचने का तो बिल्कुल सोचिएगा ही मत, आने वाली रैलीज को पूरा एंजॉय कीजिए। और जिन लोग के पास ये शेयर नहीं है, वो चाहे तो इस शेयर को अभी भी मार्केट प्राइस से ऐड कर सकते हैं। शेयर बहुत ज्यादा भागा नहीं है, अभी भी अच्छे खासे कोरेक्शन में मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के शेयर बेचने के लिए नहीं होते दोस्तों, लीजिए और भूल जाइए कंपनी को, सालों साल रखिए, फिर देखिए कैसे प्रॉफिट बनते हैं शेयर मार्केट से। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाए बजाज फाइनेंस ने किस तरीके के Q1 के नतीजे पेश किए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा शेयर प्राइस पे। फिर मिलता हूँ नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।